Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Brahmpuri thana kshetra mein marpeet dono hi sides se hui thi. Tehreer bhi dono ki hi taraf se di gayi, lekin Parshad Pati Ranjan Sharma ve saathiyon ke khilaf report darj kar di gayi. पार्षद पति की रिपोर्ट यह कहते हुए ठंडे बस्ते में डाल दी गई कि पहले जांच होगी, बाद में रिपोर्ट दर्ज। आज इसके विरोध में क्षेत्रीय नागरिकों के साथ पार्षद सारिका रंजन शर्मा ने एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। बकौल सारिका, जिस दिन से उनके सामने खड़े भाजपा के शिवम गुप्ता चुनाव हारे हैं, तब से ही वह उनसे रंजिश रखते हैं। आते जाते अपशब्द, गाली गलौज व अश्लील हरकतें करते हैं। बावजूद इसके सत्ता के दबाव में आकर उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। बिना जांच या पूछताछ के लूट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। यह पूरी तरह से झूठा मुकदमा है। यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां से रंजना शर्मा पार्षद है। इस बारे में फर्स्ट बाइट टीवी को सारिका रंजन शर्मा ने यह जानकारी दी। बात ये कि जो मेरे अपोजिट शिवम गुप्ता चुनाव लड़े थे, जिस दिन से भी चुनाव हमारा मैं जीती हूँ, उस दिन से ही वो चुनावी रंजिश कर रहे हैं मुझसे। आते जाते आप शब्द बोलते हैं, गलत टिप्पणियाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरे पति के साथ भी उस दिन भी वो कुछ इसी तरीके की अश्लील हरकतें कर रहे थे। तो हम लोग आके बोलते हैं हमें, लेकिन कि आपके बारे में ऐसे बोल रहे हैं, हम फिर भी कुछ नहीं कहते। उस दिन भी बदतमीजी करी उन्होंने, धक्का मुक्की करी, मेरे साथ भी बदतमीजी करी। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव करा, समाधान कराने की कोशिश करी। हमने हमारी तरफ से भी तहरीर दी गई और उनकी तरफ से भी तहरीर दी गई, लेकिन मुकदमा उनकी सत्ता के दबाव में आके उनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारे तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं एसएसपी साहब से सिर्फ यही गुहार लगाने आई हूँ कि हमारी तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो ये उन्होंने लूट का झूठा मुकदमा मेरे पति पे लगाया है, ये बिल्कुल गलत है। और बिना जांच के, बिना किसी की पूछताछ के ये मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया है? दबाव ये सिर्फ कुछ नहीं है, सत्ता का दबाव है, किसी व्यक्ति विशेष का दबाव है झूठा फंसाने के लिए। तो मैं एसएसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से सबसे यही गुहार लगाती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। पूरा व्यापार मंडल ब्रह्मपुरी का हमारे साथ है, आप उनसे पूछें एक बार आके, और मेरा भी मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरी यही अपील है सबसे। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे ही मैंने उनके सामने रखी तो बोले लूट का मुकदमा ये ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं हो सकता और सत्ता के दबाव में कुछ नहीं होएगा, आप घबराइए नहीं। उन्होंने मुझे पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट करके भेजा है कि आप जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आश्वासन दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।